अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर में यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर FBR के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है इजीली। आजकल जी लोगों को पॉइंट ऑफ सेल के नोटिस आ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल का जो FBR के साथ इंटीग्रेट हो, ये इजीली FBR के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है। तो इसमें हम पहले लॉग इन होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड देखें। तो ये हमारे सामने इस तरह इसका ये ऑप्शंस आ गया। यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन एरिया में। यहाँ से हम यूजर बना सकते हैं, ऐड एडिट यूजर में कोई यूजर बना सकते हैं। जाके यहाँ पे यूजर हम बनाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे यूजर को हमने असाइन ग्रुप देना है। पहले हमने परमिशन में जाना है, यहाँ पे हमने ग्रुप बनाना है। कोई भी हम ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को जो परमिशन देंगे, ठीक है। यहाँ से हम ग्रुप को जो परमिशन देनी है हम दे देते हैं, ठीक हो गया। ऐड का ऑप्शन देना, ऐड डिलीट का नहीं देना। इस तरह करके इसको हम सेव करेंगे, ये ग्रुप को परमिशन मिल जाएगी। इसी तरह असाइन परमिशन में जाएंगे, यहाँ से हम कहते हैं इस लॉगिन को हमने कौन सी परमिशन देनी है, न्यू ग्रुप की देनी है या एडमिन वाले की देनी है। सेव करेंगे, उस ग्रुप में जो मेंबर ऐड होगा उसको वो परमिशन ही आएगी जो हमने दी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये अकाउंट्स में जाके यहाँ पे अकाउंट टाइप है, अकाउंट में जाके ऐड न्यू में जाएंगे। तो यहाँ से हम अकाउंट खोल सकते हैं, कैश है, डॉक्टर है, बैंक है, लेबर कंपनी, एसेट एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल और कैपिटल है। हमने मेडिसिन ऐड करनी है, हम सबसे पहले ही यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, DEMO डेमो कर दिया। ओपनिंग बैलेंस है जितने से स्टार्ट करना कंपनी, वो हम लिखने के बाद सेव करेंगे तो ये हमारी कंपनी ऐड हो जाएगी। इस तरह कुछ यहाँ पे कुछ डेमो ऐड है, ये उन लोगों की लिस्ट है। किसी और कंपनी को हमने अगर कोई एडिट करना है, ये एडिट का भी ऑप्शन है। तो हम आते हैं मैनेज में। यहाँ पे हम बेसिकली प्रोडक्ट के मुताबिक हम यहाँ पे ना हम शेल्फ कर सकते हैं आइटम्स। यहाँ पे आएंगे शेल्फ में, आएंगे शेल्फ में हम शेल्फ ऐड कर लेंगे। यहाँ शेल्फ नंबर हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, C1। ये उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी है, यहाँ पे ऐड न्यू में जाके हम प्रोडक्ट की यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्म खुल जाएगा, डी लिखेंगे, ये डेमो वाली कंपनी आ गई। ये प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, पेनाडोल XT एक्स्ट्रा, ये उसका शेल्फ आ रहा है। सी हम 6 करेंगे तो वो हमारा C6 आ गया। ये इसी तरह ये शेल्फ है आप अपने। उसके बाद इसका बैच नंबर हमने दे दिया, ये एक्सपायरी डेट दे दी। उसके बाद यहाँ पे इसका EOQ दे दिया कि EOQ से मुराद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मेरे स्टॉक भी इतनी से कम हो तो मुझे अलर्ट ऑर्डर बनाने के लिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई। उसके बाद इसका यहाँ पे आ गया सेल रेट आ रहा है आइटम का कि हमने सेल कितना, जो इसके ऊपर प्रिंट रेट होगा। पैक साइज है कि एक पैक में कितनी गोलियां हैं, मैं कहता हूँ 10 गोलियां। पैक का रेट यहाँ पे हमने देना है कि ये रेट है, और उस यहाँ पे हमने पैक का रेट दिया है, ये गोली में तकसीम हो गए, से रेट इसने खुद ही बना दिया। पैक की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, हमने गिनी है, 10 पैक है तो 100 लूज उसने बना दिया। अब यहाँ पे हमने इस पे हमने कितने परसेंट आ रहा है, मैं कहता हूँ 25% आ रहा है, तो इसने 25 रेट खुद ही बना देना है। यहाँ ये आइटम हम सेव करेंगे, आइटम हमारी ऐड होगी। अब आते हैं हम इसके बाद ट्रांजैक्शन में जाके सेल में जाएंगे। आगे हमने यहाँ पे आइटम का नाम लिखना है, तो यहीं पे ये आइटम के साथ आ रहा होगा इसका ना। यहाँ पे हमें पौधा टाइप, यहाँ पे हमें इसके साथ ये इसका कॉस्ट रेट भी आ रहा है, सेल रेट भी आ रहा है।
हमें यहीं पे पता चल जाएगा आपने किसी को डिस्काउंट देनी है तो डिस्काउंट दे सकते हैं कि हमारी कॉस्ट इतने में पड़ी है। अगर हमने क्वांटिटी दी इस इंटर किया ये 5 हो गया, इसी तरह अगली आइटम हमने किया उसकी हमने क्वांटिटी दी, यहाँ पे हमने डिस्काउंट देना है जैसे 2% है, ये हमारी आइटम बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कैश में उसने अगर हमें कुछ 500 रुपये दिया है बकाया चेंज इतनी है, सेव करेंगे तो हमारी ये आइटम सेव हो जाएगी। और ये इनवाइस का फॉर्मेट है, इसके ऊपर बिल के ऊपर भी ये शो कर रहा होगा आइटम के साथ कि उसका शेल्फ नंबर ये है। जब बिल निकलेगा आगे हमारा जो सेलमैन है वो उसी मुतलका शेल्फ में जाके मेडिसिन को निकाल देगा। अब यही आइटम हमारी दोबारा होती है मिसाल के तौर पर, ये आती है तो हमने इसकी परचेज डालनी है, परचेज में जाएंगे इसी तरह हमने डेमो कंपनी या कोई भी कंपनी से परचेज डाल रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ये बता रहा है पैक, यहाँ पे हम एक पैक करेंगे वो उसने लूज खुद ही बना दी, गोलियाँ खुद ही बना दी, यहाँ पे हमारा कॉस्ट रेट आ रहा है। अगर हमें कोई रेट में वेरिएशन आती है यहाँ पे हम रेट चेंज कर देंगे, कोई हमने डिस्काउंट रिसीव किया या फिर डिस्काउंट लिखेंगे तो रेट वो खुद ही चेंज हो जाएगा, एंटर मारेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये प्रोडक्ट आ गई है, इसी तरह इसकी प्रोडक्ट की आगे जो है ये हमारी आ रही है रिपोर्टिंग आ गई। रिपोर्टिंग में हमें ये बता रहा है कि हमारी सेल है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रॉफिट रिपोर्ट आ रही है, पार्टी लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कैश रजिस्टर है। अकाउंट रिपोर्ट में हम सिंगल पार्टी का हम लेजर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में है, हमें ईओक्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर जितना आइटम का हमने लिखा हुआ है उस हिसाब से इसकी रिपोर्ट बनती जाएगी, यहाँ पे शो होती जाएगी। इसी तरह ये स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक में हमें सारी स्टॉक वाइज बता रहा है कि ये कंपनी है, ये कैटेगरी है, उसका ये स्टॉक है, और नीचे हमें एंड पे ग्लोबल सब में बता रहा होगा कि हमारे पास इतनी अमाउंट का माल पड़ा हुआ है और इतनी क्वांटिटी है। और उसके बाद यहाँ पे आ रही है हमारी ये अकाउंट रिपोर्ट आ गई, ग्राफ वाइज है, परचेज है, चार्ट है, और ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हमें ये बताएगा सारा उसका चार्ट वाइज कि हमारे पास स्टॉक ये है, हमारी सेल का चार्ट बनता जाएगा, अकाउंट का चार्ट है, परचेज का चार्ट है, ये सारा खुद ब खुद बनता जाएगा।